हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने आलस की वजह से, अपने लापरवाही की वजह से अपने सपनों तक को कब तक दूर रखोगे अपने से? आप उठना होगा, अलर्ट होना होगा, मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को चेस करना होगा, उसको हासिल करना होगा। बिना उसके आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको करना होगा, हर हाल में करना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। तो आपको करना होगा। आइए हम डिस्कस करते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि एम्पियर सर्कुटल्ला एक मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करने की का मेथड है, तरीका है, जो कि एक सिंपल टूल है। क्या कैलकुलेट करने का? मैग्नेटिक फील्ड का। किसकी वजह से? एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। कहाँ? जहाँ पर सिमेट्री हो वहाँ पर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, जहाँ पर सिमेट्री ना हो वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अब हम जानना चाहते हैं कि इस एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन हम कहाँ करें। अभी तक तो हमने उसको प्रूव किया एक सर्कुलर सरफेस, एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ के लिए, एक एसिमेट्रिक क्लोज्ड पाथ के लिए। अब हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ करें, इसका यूज कहाँ करें, ये हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल्ला, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल्ला। देखिए, एम्पियर सर्कुटल्ला को अप्लाई करने के पहले हमें जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहाँ से पास होता हुआ एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ता है, एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करना पड़ता है। उस एम्पीरियन लूप को कंसिडर करने में क्या हमें विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए वो हम जो है डिस्कस करेंगे। पहले एम्पियर सर्कुटल्ला इज अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। किसी करंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड है, ठीक ना? किसी करंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का एक सिंपल मेथड है एम्पियर सर्कुटल्ला। While calculating magnetic field, we have to choose a loop passing through the point. Means, जब भी हम magnetic field calculate करना चाहते हैं, जिस point पर calculate करना चाहते हैं, उस point से pass होता हुआ हमें एक loop consider करना पड़ेगा। उस point से pass होता हुआ हमें एक loop consider करना पड़ेगा। At which we want to calculate magnetic field, जिस point पर हम magnetic field calculate करना चाहते हैं वहाँ से पास होता हुआ हमें एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। वी शुड सेलेक्ट द लूप इन द फॉलोइंग वे। अब क्वेश्चन ये आता है कि उस लूप का सिलेक्शन हम किस बेसिस पर करें, किस मेथड पर करें, ठीक ना? बी इज टेंजेंशियल टू द लूप और बी इज नॉन जीरो कांस्टेंट। मींस हमें लूप ऐसा कंसीडर करना है कि जिस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उसके टेंजेंट के अलांग हो। ऐसा एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है कि जिस लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उसके टेंजेंट के अलांग हो। ओके, या बी इज नॉन जीरो कांस्टेंट, बी जो हो जीरो ना हो और उसकी वैल्यू जो हो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। डायरेक्शन भले चेंज होती जाए लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। सेकंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है? अगर आपने टेंजेंशियल नहीं है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के हर एक पॉइंट पर टेंजेंशियल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बी इज नॉर्मल टू द लूप। लूप इस तरीके से कंसीडर करें कि मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के नॉर्मल हो, मींस परपेंडिकुलर हो। अगर ये भी नहीं है तो फिर हम एक ऐसा लूप कंसीडर करेंगे जहां पर बी जीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, वो वैनिश हो रही हो। तो जब भी आपको एम्पियर सर्कुटल्ला अप्लाई करना है, आपको एम्पीरियन लूप इस तरीके से कंसीडर करना है कि उस एम्पीरियन के लूप के हर एक पॉइंट पर या तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल हो, या तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ही ना। तो आइए देखें हम इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। पहला एप्लीकेशन हम कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट वायर कैरिंग करंट। कोई अगर एक इनफाइनाइट स्टेट वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से हमें उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसकी वजह से उससे आर डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आइए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं बाय सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर।
आज वही रिजल्ट कितनी इजीली हम लोग प्रूव करेंगे। यही जो है खासियत है इस एम्पियर सर्किट लॉ की, कि इसको अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड को बड़े इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, ये एक्स वाई एक इन्फाइनाइट लेंथ का वायर है, एक्स वाई एक इन्फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। एक्स वाई एक इन्फाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। ये प्लेन ऑफ द पेपर में रखा हुआ है। हमें इस वायर से प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर पर, हमें इस वायर से प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर पर एक पॉइंट पी कंसीडर करना है, एक पॉइंट पी कंसीडर करना है। उस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, पी पॉइंट से होता हुआ हम एक एम्पीरियन सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे। पी पॉइंट से होता हुआ हम एक एम्पीरियन सर्कुलर लूप कंसीडर करेंगे, इसको एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। अब इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाती हैं। तो इस सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो आपकी टेंजेंशियल होंगी। क्या होंगी? टेंजेंशियल होंगी और कंसेंट्रिक सर्कुलर होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट के लंग होती है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के लंग होगी और डीएल भी टेंजेंट के लंग होगा। बी डीएल के बीच में एंगल जीरो डिग्री होगा। आइए देखते हैं, बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, बाई एसीएल एम्पियर सर्कुलर लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू बी डीएल कॉस जीरो। तो बी डॉट डीएल इक्वल टू बी इंटीग्रेशन डीएल आ जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। बी डीएल की वैल्यू टोटल टू पाई आर हो जाएगी और इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहाँ से बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर। ये आपके इन्फाइनाइट स्टेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ गया एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करके। आइए देखें, रिजल्ट है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, बी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज आर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ ये आएगा, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेज आर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ आपका ये आएगा, ठीक ना। ये एक इनफाइनाइट स्टेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। इधर आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा और आर इक्वल टू जीरो पर मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। ओके, अब आइए हम एक दूसरा अप्लीकेशन देखते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ का। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, एक वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, एक वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर है, हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक ना। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, एक हमने देखिए, ये कोई एक आपका वायर है, ये कोई एक थिक सॉलिड वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ये करंट पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हमने थ्री पॉइंट कंसिडर किया है, एक इनसाइड द वायर ए पॉइंट, एक सरफेस पर, एक आउटसाइड द वायर, एक इंटरनल पॉइंट ए, एक सरफेस पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट सी। हमें इन तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आइए देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। एट इंटरनल पॉइंट स्मॉल आर लेस देन आर, यहाँ ए से होता हुआ एक हमने एम्पीरियन लूप एड्रा कर लिया ये, और इस लूप से करंट हमने आई कंसिडर कर लिया, आई डैश। हमने मान लिया कि इस छोटे वाले लूप से करंट आई डैश होगी, ठीक ना। अब आई डैश कैसे कैलकुलेट करें, चलो देखें। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। टोटल करंट कितनी पास हो रही? कैपिटल आई। तो आपका पाई आर स्क्वायर में टोटल करंट कितनी पास हो रही? कैपिटल आई। यूनिट एरिया कितनी पास होगी? पाई अपॉन आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितनी होगी? स्मॉल आर स्क्वायर इसका इतने का एरिया है, जहाँ से हम ये एरिया है, यहाँ से कितनी करंट पास होगी? ये हो जाएगा आपका इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आई डैश इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये आई डैश की वैल्यू हो गई। ये वो करंट है जो स्मॉल सिलेंडर के अंदर से पास हो रही है और बड़े वाले सिलेंडर में टोटल करंट आई है। अब बाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, बाई एसीएल एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या राइट करेंगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। यहाँ से हो जाएगा बी डीएल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश, कॉस जीरो वन होता है, बी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। तो बी इंटू टू पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश।
b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई डैश अपॉन आर। अब हम यहाँ आई डैश की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम आई डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि आई डैश की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जब आप आई डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, आइए देखते हैं। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई डैश की वैल्यू, देखिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये है आपका स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आई, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू आई, और आपका यहाँ से ऑलरेडी स्मॉल आर पहले से है अपॉन स्मॉल आर। ये हो जाएगा बी इक्वल टू, ये इनसाइड पॉइंट पर है, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन स्मॉल आर, एक आर एक आर कैंसिल हो जाएगा, बी इनसाइड आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये हो जाएगा आपका एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, बी इनसाइड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ब्रेकर के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये कांस्टेंट है, ब्रेकर के अंदर जितनी चीज़ कांस्टेंट है यहाँ से इनसाइड में आ जाएगा बी प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। ये रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट मीन्स किसी थिक वायर के कोई किसी थिक वायर में सिलेंड्रिकल वायर में जब करंट फ्लो कर रही हो तो उसके एक्सिस से उसके इंटरनल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ओके अब अगर हम सरफेस की बात करें, देखिए अब अगर हम सरफेस की बात करें, एट सरफेस के सेकेंड एट सरफेस, अगर हम सरफेस की बात करें तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आ जाएगा, ठीक ना। और पॉइंट बी पर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये हो जाएगा आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा कैपिटल आर, हमारा बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ये आप आ जाएगा आई अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। स्मॉल आर इक्वल टू हमने कैपिटल आर रख दिया और ये मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब जब भी कोई एक सॉलिड सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर हो जिसमें करंट आई हो तो उसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे मैक्सिमम होता है, ये हो जाएगा। अब हम एक्सटर्नल पॉइंट पर बात करें, पॉइंट सी पर बात करें, केस थर्ड ले लें, केस थर्ड की अगर आप बात करेंगे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर एट पॉइंट सी की बात करें, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका यहाँ से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे, ये यहाँ से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हम फिर वही अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और यही आपकी डीएल की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर आप एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे बाई एसीएल, देखिए बाई एसीएल ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी एल कॉस जीरो डिग्री, बी डी एल कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई कॉस जीरो वन होता है, तो आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा, देखिए ये आपका बी डॉट कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल करंट है, इसमें से टोटल करंट कौन पास होगी, आई पास होगी, बी को हम इंटीग्रेशन से आउटसाइड में ले लें
इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ से हो जाएगा वी इंटू डीएल कितना हो जाएगा टू पाई आर, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई, यहाँ से आउटसाइड पर निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन स्मॉल आर आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और वी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पर। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो देखिए ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ इसका आएगा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, ये सेंटर ओ हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये आपका माइनस आर हो गया और ये आपका माइनस बी हो गया। अब सेंटर से ये एक्सिस है, ये एक्सिस है तो एक्सिस से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी प्रोपोर्शनल आर हो गया, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड वन अपान आर से वैरी कर देगा तो वी प्रोपोर्शनल वन अपान आर हो जाएगा, यहाँ सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड आपका मैक्सिमम होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आ जाएगा, मीन्स वायर के एक्सिस से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रहा है, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस के बाद वन अपॉन आर से वेरी करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये एक आपका थिक सिलेंड्रिकल वायर के लिए है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक ना। तो आपने देखा कि हमने थ्री पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन किया, एक इंटरनल पॉइंट पर, एक सरफेस पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक इंटरनल पॉइंट पर, एक सरफेस पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट पर। तो इंटरनल पॉइंट पर वी प्रोपोर्शनल आर आया, सरफेस पर जो है वी इक्वल टू ए आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट पर वी प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर आ गया, ओके। ये आपका सेकंड एप्लीकेशन रहा एम्पियर सर्कुलर लॉ का। अब हम थर्ड एप्लीकेशन ये देखेंगे कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सोलेनॉइड टोराइड में डिफरेंस क्या होता है ये हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में और आपका बायो सेवर्ट लॉ में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये डिस्कस करेंगे, ओके गुड।